सामने आए हैं। हम चुनौती पेश करते हुए इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, यदि स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं इस प्रदेश के अंदर में होगा तो विधानसभा के अंदर में भी नवीन पटनायक के शागिर्दों को घुसने से रोकने का काम युवा तरुणाई करेगी। यदि डेमोक्रेसी है तो कैंपस में भी डेमोक्रेसी लागू होना चाहिए, छात्र संसद का निर्वाचन भी होना चाहिए। इसलिए आज प्रश्न उड़ीसा के भविष्य के लिए है, आज प्रश्न उड़ीसा के नौजवानों के समक्ष है। इसलिए हमारी लड़ाई बेटी रोटी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई रोजगार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई एनईपी को लागू करने की लड़ाई है। इसलिए नवीन बाबू, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज एनईपी के माध्यम से पूरा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, आप उड़ीसा को पीछा रखने के लिए, आप उड़ीसा को अंधकार की ओर ढकेलने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं और एनईपी लागू नहीं कर रहे हैं, युवा शक्ति उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस प्रदेश के अंदर में यदि आप एनईपी लागू नहीं करेंगे तो 2024 का सूर्य भी आप नहीं देखेंगे, ऐसे संकनाद के साथ हम जाने वाले हैं।